हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 8। ओके, जिसका नाम है गति, मोशन। तो ये चैप्टर हमारा बचा हुआ था, इसको हम बीच में छोड़ दिया था, स्टार्ट करते हैं अब अगर दोबारा से। देखिए, तो जो चैप्टर है गति का, तो गति क्या होती है? देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं जो गति के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, पक्षी उड़ते रहते हैं, है ना, मछलियाँ तैरती है, ओके। और जो हमारी सिराएं हैं, धमनियां हैं, उसमें रक्त का जो प्रवाह होता है, वो भी सब किसके एग्जांपल है? सब गति के एग्जांपल है। जैसे मोटर गाड़ियाँ चलती है और जो जहाज चलते हैं पानियों के, ये सब क्या है? गति के उदाहरण है, ठीक है। तो इनमें से कुछ, मतलब जो एक हम देखते कि एक पर्सन के लिए, यानी कि एक आदमी के लिए, तो जो सामने वाली चीज़ है वो गति में है, लेकिन उस हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है? गति में नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल पढ़ते हैं हम, मान लो बस में बैठे कुछ यात्री है, ठीक है। अब बस में जो यात्री बैठे हुए हैं, वो बाहर अगर देखते हैं तो जो सड़क के किनारे हमारे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके लिए तो वो क्या है? गति करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन जो एक व्यक्ति जो बाहर सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, उसके लिए वो पेड़ पौधे कैसे हैं? विराम अवस्था में है, है ना, यानी कि गति में नहीं है। तो उस, और उस व्यक्ति के लिए, अगर उस व्यक्ति की बात करें, तो वो अगर बस में, बस को देखता है, तो बस को और बस में बैठे यात्री दोनों उसके लिए क्या है? गतिमान है, यानी कि गति में है। और जबकि जो बस के अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं, उसमें मान लो एक व्यक्ति बैठा है उसी, और वो जब बस में बैठे दूसरे व्यक्ति को देखता है, तो उसके लिए वो कैसा है? विराम अवस्था में है, है ना। अगर हम बस के अंदर बैठे व्यक्तियों की बात करें, तो अगर एक दूसरे की बात करें आपस में, तो हम कैसे हैं? मैं अगर दूसरे व्यक्ति को देखता हूँ बस के अंदर, तो विराम अवस्था में है। लेकिन बाहर खड़ा कोई व्यक्ति अगर उस बस के बैठे यात्रियों को देखे, तो उसे कैसे दिखाई देंगे? गति करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये सब गति के एग्जाम्पल हैं हमारे। तो गति की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? तो जो हम इन एग्जाम्पल्स में देख रहे थे, क्या देख रहे थे? गति की जो डेफिनेशन है वो होती है, देखो, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो गति की जो डेफिनेशन हो गई, जो हमारी परिभाषा है, वो क्या है? यानी कि गति होती है कि समय के साथ, यानी कि किसी एक निश्चित समय अंतराल में अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल लेती है, तो हम कहते हैं कि वो कैसी है? गति में है। कैसी है? गति में है, ठीक है। तो अभी हम स्थिति की बात कर रहे थे, तो स्थिति क्या होती है? स्थिति को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, स्थिति को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारा एक स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक स्कूल है जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो अगर हमें स्कूल की स्थिति को बताना होगा, तो हम कैसे बताएंगे कि वो स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है उत्तर दिशा में। मान लो हम ऐसे बताते हैं कि वो स्कूल रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर है, तो हमने एक निर्देश बिंदु को लिया। एक निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु क्या होता है? जैसे हमने कहा कि स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो जो रेलवे स्टेशन का हमने नाम लिया, रेलवे स्थिति किसकी बता रहे थे हम? स्कूल की। तो जो रेलवे स्टेशन है वो हो गया हमारा निर्देश बिंदु। तो निर्देश बिंदु होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वस्तु की स्थिति बताते हैं, ठीक है। और जो निर्देश बिंदु है उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मैंने लिखा है एक मूल बिंदु, जो आपकी डेफिनेशन आएगी। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु वो निर्देश बिंदु होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे स्थिति में निर्देश बिंदु। जैसे स्कूल के लिए निर्देश बिंदु क्या था? रेलवे स्टेशन, है ना। तो निर्देश बिंदु जो यूज होता है वस्तु की स्थिति बताने के लिए, उसी निर्देश बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओके। चलिए, तो गति में फिर आगे आता है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा, उसका जो गति का टाइप है क्या होती है? सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सरल रेखीय गति क्या होती है, तो उसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। मान लो एक वस्तु है जो गति कर रही है हमारी एक सरल रेखा में, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, यहां आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। एक वस्तु है जो O से स्टार्ट करती है गति करना, और वो पहले C पे जाती है। मान लो उसका जो समय अंतराल है वो कितना है? उसका 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, ओके।
इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, विस्थापन और देखिए अभी मैंने एक ये क्या बनाया है, सरल रेखीय गति का एग्जांपल ले रहे हैं हम। एक वस्तु है जो ओ से स्टार्ट करती है गति करना, ठीक है, ओ से स्टार्ट करके वो पहले कहाँ पे जाती है, सी पे, यानी कि जो सी है वो हमारा क्या है 25 वैल्यू, यानी कि उसकी डिस्टेंस दिखाई हुई है किलोमीटर में, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 35 पे मान लो वो बी पॉइंट है एंड जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा 60, ठीक है। तो एक देखिए दोबारा से, एक वस्तु है जो ओ से स्टार्ट करके ए तक जाती है, ओके, सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा में, तो सरल रेखीय गति कर रही है, पहले वो ओ से चल के ए तक जाती है जो सी एंड बी से होती हुई जाती है, ओके। तो टोटल डिस्टेंस इसने ए तक कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने डिस्टेंस कवर की ओ से ए तक, देखते हो आप कितनी, 60 किलोमीटर, ओके। अब मान लो ओ से हमें बी तक जाती है, वो ओ से पहले ए पे जाती है, ए से वापस बी पे आती है, तो ओ से और बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 60 प्लस 35, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ए से वापस अगर आएगी तो 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि 85 किलोमीटर क्या हो गया उसका डिस्टेंस, किसके बीच में है ये, ओ से बी, यानी कि पहले ओ से ए एंड वापस ए से बी, तो ओ से ए हो गई एंड ए से बी, ये हो गई इसकी दूरी कितनी, ओ से ए एंड ए से वापस बी तक। तो देखिए अगर वो टोटल दूरी कितनी हुई इसकी ओ से बी तक, ए से होते हुए 85 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगर वो सी तक आती है, यानी कि ओ से पहले कहाँ पे गई, ए पे, और ए से वापस आती है सी पे, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 60, पहले तो 60 जाएगी प्लस कितना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 35 ये हो गए, तो ओ से सी तक यानी कि ए से होते हुए वापस तो कितनी हो गई, 95 किलोमीटर। चलिए तो अब आगे देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं हमारे समझने के, एक तो होता है हमारा विस्थापन और एक होता है दूरी। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को समझिए, विस्थापन किसको बोलते हैं, यानी कि अगर मैं ओ से और सी तक की बात करूं तो टोटल जो दूरी है वो उसने जो दूरी तय की है सरल रेखीय गति करते हुए, तो कितनी दूरी तय की उसने, ओ से ए तक 60 एंड ए से सी तक कितनी 35, तो टोटल जो दूरी है कुल दूरी कितनी तय की उसने, 95 किलोमीटर। लेकिन जो विस्थापन है वो कितना है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कभी भी वस्तु के द्वारा एक प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी होती है, एक न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी, कौन सी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक, वो होता है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन समझ गए, तो विस्थापन इसका अगर हम ओ से सी की बात कर रहे हैं तो विस्थापन कितना है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, तो विस्थापन कितना है, विस्थापन हुआ हमारा 25 किलोमीटर, है ना। तो विस्थापन तो हो गया 25 किलोमीटर ओ से सी तक, और ओ से सी तक की कुल दूरी कितनी है इसकी, 95 किलोमीटर। तो याद रखना विस्थापन हमेशा क्या होता है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही हमारी विस्थापन होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कि उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ओ से सी तक ये है कितनी, 25, लेकिन कुल दूरी कितनी है, ए से वापस सी तक आएगी तो 95 किलोमीटर। तो इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये क्वेश्चन बनता है कि क्या विस्थापन और तय की गई दूरी कभी बराबर हो सकते हैं, तो कभी बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि कुल दूरी तय की गई तो कितनी है, यहाँ पे देख रहे हो आप 95 और विस्थापन कितना है 25, और अगर B तक की बात करोगे, O से B तक, O से B तक विस्थापन कितना है 35 किलोमीटर, लेकिन O से B तक की अगर तय की गई दूरी कितनी थी, वो पहले A पे और A से वापस B पे, अभी हमने निकाला था 85 किलोमीटर, तो बराबर नहीं होंगे विस्थापन और। लेकिन एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या विस्थापन जीरो हो सकता है, तो हम लिखेंगे यस, विस्थापन शून्य हो सकता है, कैसे, देखिए
विस्थापन शून्य कब होगा? मैंने बताया था विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी मान लो ओ से स्टार्ट करती है और वो वापस ए पे जाके और वापस कहां जाती है, ओ पर ही आती है, यानी कि इसका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर ओ ही है तो इसकी विस्थापन क्या होगा और दूरी कितनी होगी। अगर ये O से स्टार्ट करके A से होती हुई वापस O A पर आती है तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई इसकी कितनी, 60+60 यानी कि 120 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर जाएगी और 60 किलोमीटर वापस आएगी तो 120 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो गया इसका, विस्थापन विस्थापन मैंने बताया था प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु भी ओ ही है और अंतिम बिंदु भी यही है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। ओके, तो विस्थापन जीरो हो सकता है लेकिन कुल दूरी यानी कि तय की गई दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके, तो ये था हमारा सरल रेखीय गति का। चलिए एक टॉपिक है छोटा सा, इसका एक और पढ़ लेते हैं हम। एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति, देखिए एक समान गति कौन सी होती है और असमान गति कौन सी होती है। तो एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। देखो एक वस्तु है एक जो सीधी रेखा में गति कर रही है, मान लो उसने पहले सेकंड में फर्स्ट सेकंड में उसने दूरी तय की 50 मीटर, ठीक है, दूसरे सेकंड में उसने दूरी तय की फिर 50 मीटर और तीसरे सेकंड में फिर उसने दूरी तय की 50 मीटर, ओके, और फोर्थ सेकंड में भी 50, यानी कि वो हर सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 50 मीटर। तो आप देख रहे हो हर समय अंतराल में, हर एक फिक्स समय अंतराल में उसकी दूरी क्या है, सेम है, तो इसको बोलेंगे हम एक समान गति। यानी कि वो वस्तु कैसी गति से चल रही है, एक समान गति से, यानी कि अगर किसी निश्चित समय में हर एक निश्चित समय अंतराल में वो फिक्स दूरी यानी कि निश्चित दूरी अगर तय करती है तो उसे बोलते हैं एक समान गति, और अगर ऐसा नहीं है यानी कि वो एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसको बोलते हैं असमान गति। तो असमान गति का एग्जांपल, जैसे आप कभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या पार्क में चलता हुआ कोई व्यक्ति है, या भीड़ में अगर आप बाइक चलाते हो, बाजार में अगर आप बाइक चलाते हो, तो किसी एक पल यानी कि एक सेकंड में मान लो आपकी दूरी होती है 10 मीटर और अगले एक सेकंड बाद आपकी दूरी कुछ और होती है, तो भीड़ वाले इलाकों में आपकी गति सेम नहीं रहती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वो हम असमान गति, यानी कि निश्चित समय अंतराल में अगर दूरी तय की गई है वो सेम नहीं है तो वो होती है असमान गति, और अगर एक निश्चित समय अंतराल में दूरी तय की गई है वो बराबर है, इक्वल है, तो वो होती है एक समान गति। ओके, तो चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गति की दर का मापन, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप अच्छे से रिवाइज करना अपनी बुक से, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।